दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय त्रिवेदी ओवरसीज जालंधर अमृतसर। गगल हवाई अड्डे से एयर इंडिया के चंडीगढ़ के लिए नई विमान सेवा शुरू कर दी गई है। सुबह ही गगल एयरपोर्ट पर गगल से चंडीगढ़ जाने के लिए 43 यात्री मौजूद थे। एयर इंडिया का यह विमान सुबह दिल्ली से गगल और गगल से चंडीगढ़ गया और वहां से 31 यात्रियों को फिर गगल लेकर आया। गगल हवाई अड्डे पर इस विमान का स्वागत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों द्वारा पानी की बौछार करके किया गया। इस विमान को पायलट SS गिल और को पायलट कनिका शर्मा लेकर आए। गगल हवाई अड्डे पर कार्यरत एयर इंडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों ने फूलमालाएं पहनाकर यात्रियों का स्वागत किया और इस अवसर पर केक भी काटा गया। गगल हवाई अड्डे पर चंडीगढ़ से गगल पहुंची कांगड़ा की साक्षी का कहना है। आप कहां से आए? चंडीगढ़ से आए आप? तो आपको कैसा लगा गगल एयरपोर्ट पे आके? ऐसे कितनी यात्रा भत्ता कितना था इसका किराया? 2000। आपका नाम? आपने कहाँ जाना है यहाँ से? अभी कांगड़ा के लिए। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि गगल एयरपोर्ट से और भी फ्लाइटें कनेक्टेड हों? होगी तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था चंडीगढ़ से, 5 hours का करना पड़ता है, ज़्यादा बेटर है। थैंक यू। वही चंडीगढ़ से पत्नी के साथ आए पुनीत का कहना है। आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं? आपका नाम क्या है सर? पुनीत। आपने कहाँ जाना सर? धर्मशाला जाना था। तो आप चंडीगढ़ से पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, क्या आपको क्या लग रहा कि ऐसी फ्लाइटें और भी होनी चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं गगल एयरपोर्ट पे और क्या क्या हो? गगल एयरपोर्ट पे और क्या क्या हो यहाँ पे? कहाँ कहाँ से फ्लाइटें आए? तो आपको कैसा लग रहा है, इसमें किराया कितना लगा आपका यहाँ से? सर कुछ नहीं, वोल्वो बस इतना किराया लिया उन्होंने, बस 1750 रुपये। अच्छा, 1750 रुपये। तो आपको क्या लगा कि ऐसे सस्ती फ्लाइट और भी होनी चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल होनी चाहिए ताकि हर इंडियन ट्रैवल कर सके। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए गगल से विमुक्त शर्मा की रिपोर्ट। लो जी, शुक्रिया जी। चाचा जी, की हाल है मुंडे दा ऑस्ट्रेलिया विच? कृपा जी, सुख नाल कमाई करने वाला हो गया। समझ नहीं आती तुहाडा धन्नवाद किवें करिए। धन्नवाद मेरा नहीं, त्रिवेदी ओवरसीज दा करो, जिन्हां ने अपने वर्गे हजारां लोकां नूं सही राह विखाया है। त्रिवेदी ओवरसीज, टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी।